जी हाँ दोस्तों आप अपने मोबाइल के डायल पैड के अंदर यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं जी हाँ यानी कि दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने बहुत सारे वीडियो देखे होगी जिसके अंदर यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के, के लिए यहाँ पे बोला जाता है उसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो आपको कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप यहाँ पे अपने मोबाइल के जो डायल पैड होता है उसके अंदर ही अपनी जो ऐप है पे हाइड कर सकते हैं और किसी को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि अगर डायल पैड के अंदर एप्लीकेशन हिडन कैसे होती है वो किसी को पता भी नहीं होता है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पे डायल पेड के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना गया, ले में आपका स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने मोबाइल के अंदर ये वाला फीचर दिया जाता है जिसके जरिए आप यहाँ पे डायल पेड के अंदर यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको हाइड कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करेंगे इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं तो सिंपल से यहाँ पे मैं डायल पेड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे डायल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ हैच न टू थ्री फोर और फिर से हैच तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हिडन जो फोल्डर था मतलब यहाँ पे हमने जितने भी एप्लीकेशन हाइड की है वो यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हिडन एप्स और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पांच एप्लीकेशन को हाइड किया था तो यहाँ पे आ चुकी है तो ये एप्लीकेशन जो है वो आपके जो होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन है कहीं पर भी ये शो नहीं होगी सिर्फ इसके अंदर ही शो होगी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा आपको डायल पेड के अंदर जाना पड़ेगा कोड डालना पड़ेगा फिर आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी तो इस तरह से आप यहाँ पे डायल पेड के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं चलो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप डायल पेड के अंदर इस तरह से कोड सेट करके आप उसके अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं तो सिंपल से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसके अंदर चला जाना है और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी एंड्रॉइड स्मार्ट फोन होते हो, सबके अंदर ये वाला जो फीचर है वो यहाँ पे दिया जाता है लेकिन फर्क इतना है कि सबके अंदर यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं लेकिन सिमिलर ये आपको ये वाला जो फीचर है वो मिल ही जाता है तो सिंपल से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो जितने भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन होते हैं उसके यहाँ पे जो पासवर्ड या सिक्योरिटी जो ऑप्शन होता है उसके अंदर आपको चला जाना है और यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहां पे प्राइवेसी पासवर्ड इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहां पे देख सकते हैं यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे कुछ पासवर्ड यहां पे डालने के लिए यहां पे बोला जाएंगे चाहे आप पे सकते हैं पे मेरिक्स भी यहां पे डाल सकते हैं यहां पे, पे पेंडर भी डाल सकते हैं तो पे मैं नंबर में यहां पे डालूंगा और यहां मैं कुछ जैसे कि यहाँ पे वन टू थ्री और फोर फाइव और सिक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यूज़ कर लेता हूँ फिर से आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे डालने के लिए बोला जाएगा तो फिर से आपको इस तरह से डाल देना है और यहाँ पे आप यहाँ पे रिकवरी के लिए भी आप यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पे यहाँ डाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे फ्रॉमर टीचर्स नेम यहाँ पर आपको वो डाल देना है इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेट रिकवरी ईमेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं ये अदर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे इसके अंदर आपको ना जो तो टीचर का नेम है वो यहाँ पे डाल देना है जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा ही नेम तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं बोल ना जाऊँ इसलिए अब मैं यहाँ पे राइट टिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये पासवर्ड सेट हो चुका है अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप लॉक हिडन ऐप और प्राइवेट सेफ तो यहाँ पे सिंपल से आपको यहाँ पे हिडन ऐप करना है तो सिंपल से आपको नीचे बीच में जो हिडन ऐप एड़ लिखा है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे मैं हिडन ऐप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते कुछ चीज़ें तो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और सिंपल सा सब से सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको कोड सेट करना पड़ेगा तो सिंपल से आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेट एक्सेस कोड तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है अब आप अपने डायल पैड के अंदर जिस टाइप का यहाँ पे कोड सेट करना चाहते हैं मतलब वो पासवर्ड टाइप का ही होता है तो आप कोड जो सेट करना चाहते हैं वो सेट कीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हैच डालना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पे चार अंक का यहाँ पे कोई भी आप नंबर डाल सकते हैं इसके बाद आपको हेच डालना है तो सिंपल से मैं याद रहे इसलिए मैं यहाँ पे हेच वन टू थ्री फोर और यहाँ पे हेच डाल देता हूँ तो देख सकते हैं सेट हो चुका है अब यहाँ पे राइट टिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डंट पे बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हो चुका है अब मुझे यहाँ पे बैक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मोबाइल के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी अब मुझे जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे हाइड करनी है डायल पैड के अंदर वो तो मुझे यहाँ पे इसको ऑन कर देना है जैसे कि यहाँ पे मैं एयरटेल ऐप को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ इसके बाद एमेज़ॉन को ऑन कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक कैलेंडर भी कर देता हूँ आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं डायल पैड के अंदर वो यहाँ पे यहाँ पे कर सकते हैं तो सिंपल से यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ एप्लीकेशन यह यहाँ पे ऑन कर दिया है और वो अगर आप देखना चाहते हैं हिडन तो यहाँ पे देख सकते हैं इतनी हमने यहाँ पे हिडन की हुई है अब आपको कुछ नहीं करना है सिंपल सा बैग चला जाना है अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको जाना है डायल पैड के अंदर तो यहाँ पर मैं डायल पैड ओपन कर देता हूँ डायल पैड ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो यहाँ पर डायल डायल पैड ओपन करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप करना है हेच और आपने जो कोड यहाँ पे सेट किया था वो तो हमने वन टू थ्री फोर यहाँ पे सेट किया था और यहाँ पे फिर से आपको हैच डालना है जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो जाएगा आपने जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन हिडन की थी हमने यहाँ पे पांच एप्लीकेशन यहाँ पे हिडन की थी और यहाँ पे लिख के भी आ गया हिडन एप्स तो इसके अंदर आपने जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पे हाइड करेंगे वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी तो इस तरह से ये काम करता है कि आप अपने डायल पेड के अंदर अंदर किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं किसी को भी पता यहाँ पे नहीं चलेगा तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने मोबाइल के डायल पैड के अंदर यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं और ये जो फीचर है दोस्तों वो सभी यहाँ पे एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर दिया जाता है तो आप आसानी से यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और इसी तरह वीडियो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय